और भी समराइज कर सकते हैं, फिर से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर बेटा बेसिकली यही होता है कि हमारे पास जो पहले से डेटा है, जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को और भी समराइज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं और फिर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप ये हो सकते हो। बाकी आप नेट पर देखो क्या है जो आपको बताना है, जो आपको सही लगता है कैसा भी, अगर आपको जो दो तीन मेन पॉइंट हैं जो हम करते हैं वो आप बता दोगे तो भी चलेगा। इसमें क्या है, सबसे पहले तो आपकी कोई भी हेडर ब्लैंक नहीं है, ये अगर हेडिंग कहीं ब्लैंक है, टच नहीं पड़ी है तो आपकी पाइवेट सही लगेगी। आपको इसमें लगाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो डेटा में मेन्यू को क्लिक करो और इंसर्ट में जाना है और पाइवट टेबल, इस पर क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल करेंगे, ऐसा विंडो खुलेगा, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। न्यू पे करना है या इस पर काम करो, हमेशा न्यू पे, कहीं पे भी जाओ किसी कंपनी में लगाने के लिए दे रहे हैं तो किसी पे मत लगाओ, हमेशा न्यू पे रखना है।